हेलो फ्रेंड्स, शेक बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरीके का जार लेंगे, जो बड़ा जार होता है ना शेक वाला। अब हम इसमें डालेंगे 3 केले, 3 केले के छिलके उतार लिए मैंने। ये मैं बना रही हूँ 2 लोगों के लिए, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। 2 लोगों के लिए बनाया है मैंने बड़ा वाला ग्लास। और ये हमारा ओट्स है, लगभग आधी कटोरी ओट्स डाला है मैंने इसके अंदर। कप के हिसाब से बताओ तो 1 कप चाय वाला कप होता है ना, 1 कप ओट्स। और ये हमारा पीनट्स बटर है, आप कोई सा भी ब्रांड का ले सकते हैं। लगभग 2 से 2.5 चम्मच हमें इसमें डालना है पीनट्स बटर। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी, 1 चम्मच चीनी डाला है, क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं बिना चीनी के नहीं पीते शेक, उन्हें मीठा शेक पसंद आता है, तो थोड़ा सा चीनी मैंने डाल दिया इसमें। अब मैं इसमें डालूंगी दूध, लगभग हम इसमें डालेंगे आधा लीटर दूध, और थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, आधा कप पानी। मैं इसमें थोड़ा सा दूध और डालूंगी, आधा लीटर दूध कंप्लीट हम इसमें डालेंगे, और थोड़ा सा पानी ऐड करना है। शेक आपका ज़्यादा पतला भी ना हो, ज़्यादा मोटा भी ना हो, इसकी थिकनेस अच्छी होनी चाहिए। अब हम इस पर ढक्कन लगाकर इसे ग्राइंड करेंगे लगभग 1 से 1.5 मिनट तक। 1.5 मिनट हो चुके हैं, हमारा शेक भी बन चुका है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इसकी थिकनेस काफ़ी अच्छी है, बहुत ही हेल्दी होता है और बच्चों को बहुत पसंद आएगा। इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। आप अपने बच्चों को दिन में ये 2 बार दीजिए, सुबह और शाम, और फिर आप 15 दिन में ही फ़र्क देखिए, आपके बच्चों में काफ़ी फ़र्क आने लग जाएगा। और जो लोग जिम जाते हैं वो भी इसे लेते हैं, इस शेक को, बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है ये। आप इसे ज़रूर ट्राई करें अपने घर पर, अपने बच्चों को दीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कर देना ज़रूर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, बाय बाय।